हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो हम देखेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पूरा का पूरा एक पेज में और एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अपन यहाँ से शुरू करेंगे, ये होता है अपना यहाँ से यहाँ तक कि एम फेज, और ये पूरा होता है अपना इंटरफेज। जो इंटरफेज होता है मोर देन 95% एंड लार्ज एंड मोर एक्टिव एंड 3 सब यूनिट G1 S एंड G2। तो देखिए ये अपन का वन बाय वन अध्ययन करेंगे। तो सबसे चलते हैं पहले G1 पे। तो G1 देखिए यहाँ पर मैंने बांटा हुआ है G1 एंड S एंड G2, और ये जो M फेज है, M फेज को दो भागों में बांटा हुआ है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो M फेज होती है वो लेस देन 5% होती है एंड लेस एक्टिव एंड डिवीजन लॉस एंड माइटोटिक फेज होती है। तो चलिए अपन चलते हैं सबसे पहले G1। जो G1 होती है अपन उसको फर्स्ट गैप फेज और ग्रोथ फेज भी बोलते हैं एंड पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। इसके तीन नाम होते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज, ग्रोथ फेज एंड G1 गैप फेज। तो एक किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। जो अपन इसमें DNA की क्या पढ़ाई में आते हैं आपको डाउट, तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT, JEE, NEET का सवाल हो, सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए। मात्रा लेते हैं 2C। तो देखिए यहाँ पर चले G1 में सिंथेटिक ऑफ RNA एंड नॉन स्टोन प्रोटीन एंड सिंथेसिस ऑफ ATP, न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम फॉर DNA रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गन एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड गॉल्गी बॉडी। तो इन तीन का इनमें डुप्लीकेशन नहीं होता है। इसके बाद अपन यहीं से चलते हैं G0 फेज पे। G0 फेज में ये होता है, ये देखियो जीवन में ये भी होता है डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन। मतलब जीवन में आपका डिसीजन लिया जाएगा कि सेल डिवीजन आगे जाके होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अपन देखते हैं G0, जिसको अपन क्वेश्चेंट स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ जो भी नॉन डिवाइडिंग सेल होती हैं वो इन पे इंटर कर जाती हैं, जैसे कि नॉन डिवाइडिंग सेल इंटर इनटू G0 फेज। इन दिस सेल डिवीजन स्टॉप, इसमें सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है एंड सेल डिफरेंशिएशन ऑकर्स, मतलब सेल डिफरेंशिएशन चलता रहता है एंड सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट डिवाइड अंटिल इट इज कॉल्ड ऑन टू डू सो। इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल रहती है और ये जब तक डिवाइड नहीं करती, जब तक इसे कहीं और से मतलब कहा ना जाए। तो जैसे कि एग्जाम्पल है इसका नर्व सेल, मसल सेल्स एंड लीवर। तो इसके बाद चलते हैं अपन S, जो है सिंथेटिक फेज, DNA रेप्लिकेशन। यहाँ पे अपन ने DNA 2C लिया था, तो यहाँ पर आपका DNA 4C हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंथेसिस ऑफ स्टोन प्रोटीन इन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड डिवीजन डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन साइटोप्लाज्म, क्रोमोजोम नंबर सेम नॉट डबल। यहाँ पर क्रोमोजोम का नंबर सेम रहेगा, अगर क्रोमोजोम नंबर यहाँ पर 2 है तो क्रोमोजोम नंबर यहाँ पर भी 2 ही रहेगा। यहाँ पर केवल DNA की मात्रा बढ़ती है, आप ध्यान रखिएगा इस बात का, यहाँ पर केवल DNA बढ़ेगा, क्रोमोजोम नहीं बढ़ेगा। इसके बाद चलते हैं अपन सेकेंड यानी कि G2, सेकेंड गैप फेज, जिसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज। इसको अपन G1 को बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज और G2 को बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज। तो इसमें देखिए अपन क्या क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ RNA, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कंप्लीट, जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट हो जाता है एंड सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, डिवीजन डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्गी बॉडी। यहाँ पर डिवीजन और डुप्लीकेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ था, एंड सिंथेसिस ऑफ डैमेज DNA, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ DNA, यहाँ पर डैमेज DNA का सिंथेसिस होगा और क्लोरोप्लास्ट का। तो देखिए अपन ने इतने कम समय में पूरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन देख लिया, जिसमें G1, S एंड G2। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप कहीं पर भी देख सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।